चैनल में दोस्तों एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक ही बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स, हम लगातार कंटिन्यू आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो, और आप लोग क्या कर रहे हैं कि आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। बहुत ही शिकायत है आपसे, यानी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं या देख रहे हैं वीडियो, तो वीडियो के नीचे जस्ट आपका सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं भी जो भी वीडियो यानी कक्षा 10 या कक्षा 12वीं के लिए मैथ की या साइंस की जो भी वीडियो प्रोवाइड करूँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है कि ट्रायंगल के लिए यानी त्रिभुज के लिए हम बात कर रहे हैं, ये कक्षा 10 के लिए है, जिसकी आज हम थ्योरम के बारे में बात करने वाले हैं, यानी प्रमेय के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। जैसा कि आपकी थ्योरम है आपकी कक्षा 10 में, जो कि 6.1 पे आपकी थ्योरम है, ठीक है, 6.1 की एक थ्योरम है, यानी प्रमेय है। प्रमेय का अगर हम पढ़ते हैं, प्रमेय नंबर जो होगा आपका, ये बुक में आपको दिया होगा, इसको हम आज प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। यानी ये बुक में आपको दिया हुआ थ्योरम, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यानी अगर बात कर रहा है कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ठीक है, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, एक भुजा के त्रिभुज है एक, और उस भुजा के समांतर और अन्य दो भुजाओं पर किन्हीं भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं की एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यानी आपको जो है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यानी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये थ्योरम, ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मिल जाएगा। तो उसको आप देख लीजिए कैसे आप इसको प्रूफ करने वाले हैं, तो प्रूफ कराएंगे आपको, आप भी कोशिश करिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, बात करते हैं कि आपने थ्योरम पढ़ ली होगी, आपको स्क्रीन पर लगी होगी थ्योरम, देख लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए एक त्रिभुज हम बनाते हैं, ठीक है, ये त्रिभुज है ए बी सी, ये कह रहा है एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के समांतर एक रेखा खींची गई है, ठीक, ये है क्या डी और ये है आपकी ई, ठीक है, एक त्रिभुज के समांतर रेखा खींची गई है और ये जो रेखा खींची गई है ये अन्य दो भुजाओं यानी एक ए सी को और एक बी डी ए डी ए बी को काट रही है, डी बिंदु पर और ई बिंदु पर काट रही है। तो कह रहा है कि ये जो अनुपात हैं, ये अनुपात क्या हैं, बराबर होने चाहिए, यानी सिद्ध करना है ए डी बटे बी डी और ए ई बटे ए सी। यानी सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा त्रिभुज ए बी सी की, त्रिभुज ए बी सी की रचना किया, ठीक है, जहाँ डी ई समांतर है बी सी के, दिया है, ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रश्न में दिया गया है। और यहां पे सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, ये आपको सिद्ध करना है ए डी बटे बी डी बी, ए डी अपान डी बी इक्वल ए ई अपान ई सी, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये प्रूफ करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक अगर रचना करें तो यहाँ पर रचना में लिख सकते हैं, रचना में यानी आप क्या हैं, बी ई को मिलाया, बी ई को ऐसे मिलाया, फिर हमने क्या मिलाया, डी और सी को मिलाया, ठीक, और फिर हमने क्या किया, ई से ए डी पर एक लंब खींचा यार, परपेंडिकुलर खींचा, तो ये देखिए यहाँ पे अगर हम खींचते हैं तो ये हो जाएगा आपका, ये 90 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसी अनुसार ए बी ए ई पे हमने क्या है, डी से एक लंब खींचा है, यानी डी, ये हो गया आपका 90 का एंगल, ठीक है। तो ये रचना के तौर पर हम लिख सकते हैं, रचना में क्या लिखेंगे, बी ई को मिलाया तथा डी डी सी को मिलाया, ठीक है, मिलाया, अब क्या किया, ए डी पर लंब खींचा,
क्या लिखा इसका हमने मान नाम दे दिया है पी, इसको मान दे दिया हमने क्यू, ठीक है। या यहाँ आपके किताब में जो दिया है वो लिख देते हैं, ठीक है। एन और यम, ये एन हो गया, ये हो गया आपका यम, ठीक है। तो एक परपेंडिकुलर क्या किया एडी पे लंब, यानी हमने क्या किया एडी पे लंब खींच दिया, एडी पे लंब हमने क्या खींच दिया ई एन, और ए ई पर हमने क्या कर दिया लंब खींचा, क्या खींचा डी एम, ठीक। इतना आपको लिखना है। अब फ्रेंड्स अगर इसका हम प्रूफ देखते हैं, तो प्रूफ देखिए करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, त्रिभुज देखिए, यहाँ पे त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ए डी ई, यानी त्रिभुज दिख रहा होगा आपका ए डी ई, या आपने ये लिख लिया होगा, तो इसको हम क्या कर रहे हैं इरेज कर दे रहे हैं, यानी मिटा दे रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये वाला चित्र हम थोड़ा सा और किनारे बना दें ताकि सॉल्व करने में आपको दिक्कत ना हो। फ्रेंड्स देखिए ये हो जाएगा आपका एक त्रिभुज, ठीक, ये हो गया, इसको सीधा कर देते हैं, ठीक। और ये हो गया आपका एक समांतर, ये हो जाएगा डी और ई, ये हो जाएगा बी और सी, इनको मिलाया, इसको यहाँ पे मिलाया, एक लंब यहाँ पे हमने खींचा, ये 90 हो गया, एक इस पे खींचा, ये 90, ये हो गया क्या एन, ये हो गया आपका यम, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए त्रिभुज कौन सा दिख रहा है ए डी ई में, त्रिभुज त्रिभुज ए डी ई में, ए डी में क्षेत्रफल, ए डी का क्षेत्रफल क्या करेंगे ए डी ई का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है, ये फार्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ए डी ई में, ए डी ई में क्या हो जाएगा आपका आधार क्या हो जाएगा ए डी हो जाएगा, यानी 1/2 लिखेंगे, 1/2 आधार क्या हो गया ए डी, ए डी इंटू करना है आपका क्या हो जाएगा ई एन, ई एन क्या है आपका ये ऊंचाई है, यानी ये लंबवत ऊंचाई है, ठीक है फ्रेंड्स। लंबवत इसलिए कि यहाँ पे 90 है तो ये लंबवत ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। तो समीकरण एक इसको हम मान लेते हैं, ठीक फ्रेंड्स। अब देखिए त्रिभुज हम देख रहे हैं बी डी ई में, ये दिख रहा होगा बी डी ई, तो देखिए त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आधार, आधार क्या हो जाएगी आपका 1/2 बी डी, या इसको डी बी कहेंगे, ठीक, डी बी 1/2 डी बी इंटू ऊंचाई क्या है आपकी ई एन, ई एन, ये हो गया आपका समीकरण दो, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब फ्रेंड्स एक त्रिभुज लेते हैं कौन सा ए डी ई में ही, ए डी ई में देखिए त्रिभुज अगर हम देखते हैं ए डी ई में, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ए डी ई में, तो देखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपका, इसके लिए देखिए आधार क्या हो जाएगा ये ए ई, यानी 1/2 ए ई इंटू ऊंचाई क्या है आपकी, ये लंबवत ऊंचाई हो जाएगी आपकी डी एम हो जाएगी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब फ्रेंड्स एक त्रिभुज और आपको दिखाई दे रहा होगा डी ई सी, डी ई सी, तो यहां लिख लीजिए त्रिभुज, ये हो जाएगा आपका समीकरण तीन। अगर यहां पे हम देखते हैं त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, तो फ्रेंड सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ई सी, यानी 1/2 ई सी हो जाएगा, ऊंचाई कितनी हो जाएगी डी एम, ठीक फ्रेंड, ये हो जाएगा समीकरण चार। अब क्या करना है समीकरण एक में समीकरण दो का हम क्या कर देंगे भाग कर देंगे, समीकरण तीन में समीकरण चार से भाग कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हम यहां लिखते हैं समीकरण एक भाग करना है समीकरण दो से,
तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में हो जाएगा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। ठीक है फ्रेंड्स, मान देखिए यहाँ पे कितना है, एक बटे दो ए डी इंटू ई एन बटे में हो जाएगा एक बटे दो डी बी इंटू ई एन। ठीक, अब यहाँ से देखिए एक बटे दो से कैंसिल, ई एन से कैंसिल, यानी कितना मान आ गया, ये आ गया आपका ए डी अपान डी डी बी, ये समीकरण आ गया आपका पांच हमने मान लिया। ठीक है, ए डी बटे डी बी। अब फ्रेंड्स अगर हम देखते हैं समीकरण तीन में समीकरण का चार का भाग दे देते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम समीकरण तीन में भाग कर रहे हैं समीकरण चार से। तो देखिए त्रिभुज ए डी ई बटे त्रिभुज डी ई सी, ठीक है, डी ई सी, डी ई सी को भाग कर रहे हैं का क्षेत्रफल। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें भी हम कर देंगे का क्षेत्रफल, ये आपको समझ में आ रहा होगा। यानी फ्रेंड्स अगर यहाँ पर देखते हैं भाग करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, एक बटे दो ए ई इंटू में है डी एम, नीचे है एक बटे दो क्या है ई सी इंटू डी एम। देखिए एक बटे दो से एक बटे दो, डी एम से डी एम कट गया, यानी आपका मान कितना आ रहा है ए ई बटे ई सी, ये समीकरण आपका आ गया छः। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए ये मान आपका सिद्ध भी क्या करना था, सिद्ध भी आपका मान यही करना था, यानी ए डी बटे कितना सिद्ध करना था, डी बी बराबर सिद्ध करना था ए ई बटे ई सी। ठीक है फ्रेंड्स, ये मान तो आ गया आपका, लेकिन फ्रेंड्स अभी बराबर नहीं हुआ है, बराबर करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, ये वैल्यू आपकी की बराबर नहीं है। अगर हम देखते हैं तो डी ई, देखिए ये डी है और ये ई है, और इसके समांतर है आपकी बी सी, यानी फ्रेंड्स अगर हम त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज बी डी ई, एक त्रिभुज हो जाएगा, एक हो जाएगा डी ई सी, ये इक्वल हो जाएंगे, यानी त्रिभुज जो हो जाएगा त्रिभुज बी डी ई इक्वल हो जाएगा डी ई सी के, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल जो इनका बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्योंकि ये मिड, ये है आपका समांतर है और ये है दोनों भुजाएं आपस में समांतर हैं, यानी इसके द्वारा बनाया गया एंगल, ये दोनों के आधार क्या है, सेम है, यानी जब आधार आपका सेम हो, आधार दोनों त्रिभुजों के लिए यहाँ पे सेम है, यानी इस वाले त्रिभुज का जो ये वाला त्रिभुज होगा बी डी ई का बेस और ई डी सी का बेस दोनों समान है, और अगर ये भुजा डी ई समांतर बी सी का, तो ये कक्षा नाइन्थ में एक थ्योरम है कि यानी एक ही आधार पर बना हुआ त्रिभुज, यानी एक ही आधार पर जो त्रिभुज बना हुआ है, यदि उसके सामने वाली भुजाएं जो हैं आपस में क्या समांतर हैं, तो इन दोनों का क्षेत्रफल जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर हम देखते हैं डी ई बी डी ई, तो देखिए यहाँ पर बी डी ई कहाँ है, बी डी ई, बी डी ई यानी हम करते हैं बी डी ई का क्षेत्रफल और डी ई सी का क्षेत्रफल देखिए बराबर है, यानी ये आपकी एल एस साइड है, क्या है ये एल एस साइड, क्योंकि ए डी ई ए डी ई सेम है, इसका कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, तो जब ये साइड एल एस साइड क्या है, समान है, जब ये एल एस साइड क्या है, समान है, तो ये होगी राइट हैंड साइड, यानी राइट हैंड साइड भी आपस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये आप लिख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा, इसलिए आपका ये प्रूफ हो जाएगा, यानी ए डी अपन बी डी अपन ए ई अपन ई सी, इतना आप प्रूफ कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो दोस्त चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। फ्रेंड्स वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, नमस्कार।